हेलो गाइस, वेलकम बैक टू मिष्टी का चैनल। मिष्टिया जा रही है घूमने सीहोर कुबरेश्वर धाम। मिष्टी जा रही है घूमने। किसके साथ जा रहे हो मिष्टी? नानी के साथ और मौसी के साथ। हेलो गाइस, तो हम लोग सीहोर जा रहे हैं कुबरेश्वर धाम दर्शन के लिए। यहाँ से 3 घंटे लगते हैं इंदौर से सीहोर जाने में, और लगभग 150 किलोमीटर है इंदौर से सीहोर। तो आप लोग भी आ सकते हैं कुबरेश्वर धाम दर्शन के लिए, प्रदीप मिश्रा जी के जो है यहाँ पे स्थान। और यहाँ का जो रुद्राक्ष है वो बहुत ही पावरफुल माना जाता है, कोई सी भी बीमारी और कुछ भी मतलब ठीक हो जाता है। तो यहाँ पे बहुत सारे लोग आने लग गए हैं अब तो। यहाँ बहुत दूर दूर से श्रद्धालु आते हैं अपनी मनोकामना पूरी होने के बाद और दर्शन करते हैं। और यहाँ पे हम लोग पहुँचे थे तो यहाँ पे बारिश हो रही थी, बहुत ही सुनहरा मौसम था यहाँ पे, बहुत ही अच्छा लग रहा था बारिश में, तो मज़ा आ गया हम मिष्टी को भी और हम सबको। और अभी यहाँ थोड़ा कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है तो इसलिए थोड़ा अस्त व्यस्त था, पर बहुत ही भीड़ थी यहाँ पे। हम लोगों ने तो बहुत अच्छे से दर्शन किए और फिर यहाँ पे हम लोग रुद्राक्ष की लाइन में भी लगे थे और फिर हमें रुद्राक्ष भी मिल चुका। कुबरेश्वर धाम जो मंदिर है बहुत ही प्यारा है, आप लोग बस ट्रेन और अपने सेल्फ गाड़ी से आ सकते हैं, सभी मतलब अवेलेबल है यहाँ पे आने का। बारिश हो रही थी इसलिए मिष्टी को मम्मी ने पूरा कवर करके रखा है ताकि उसे बारिश में भीगे ना। जहाँ से पे बैठ के मिश्रा जी यहाँ पे भजन करते हैं सीहोर में, पहले यहाँ पे करते थे वो सबसे पहले स्टार्टिंग में। तो ये कुबरेश्वर धाम का जो हॉल है वहाँ का भी बहुत ही ज़्यादा रश था यहाँ पे। भोजनशाला भी है जहाँ पे आप फ्री में भोजन कर सकते हैं। वहाँ बहुत सारी दुकानें हैं नाश्ता करने के लिए, चाय नाश्ता खाना और फिर फ्रूट्स और फिर पूजा की सामग्री। आप लोग भी आ सकते हैं। और यहाँ का जो है कंकड़ भी में भी बोला जाता है कि वहाँ के कंकड़ में भी शंकर है, तो आप लोग भी आ सकते हैं यहाँ पे अपनी मनोकामना। ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए, धन्यवाद।